मुस्लिम लीग नून सुबहसिन के सदर शाह मोहम्मद शाह और साबिक सेनेटर नेहा लाजमी ने कहा है कि नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में नहीं बल्कि उस वक्त इमरान हुकूमत की काबिना की मंजूरी के बाद अदालत से जमानत के नतीजे में मुल्क से बाहर गए थे। 21 अक्टूबर को उनकी पाकिस्तान आमद पर नया सूरज तुलू होगा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह मोहम्मद शाह और साबिक सेनेटर नेहा लाजमी ने कहा कि 21 अक्टूबर को लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। हैदराबाद समेत सिंध भर में मुस्लिम लीग की कारकुनों के काफिले 19 अक्टूबर को कराची से इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना होंगे। सिंध की सकावत अजरक और टोपी पहने कारकुनान शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नगमे गाते जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ के आने से पार्लियामेंट मजबूत और मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती होगी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब बाहर गए तो ये इमरान खान के डॉक्टर फैसल सुल्तान राशदा यास्मीन ने कहा कि 7,000 प्लेटलेट रह गए। अदालत ने उनकी जमानत की, इमरान खान ने दस्तखत किया, कैबिनेट ने उनको कहा कि इनको जाने दो। तो जब जाए तो क्या कैबिनेट ने डील की या जजों ने डील की? तो हम किसी को इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाते, एक नेचुरल तरीके से वो गए। और याद रखिएगा, मोहम्मद नवाज शरीफ अगर डील करने वाले होते तो 3 बार उनको वजारत से दस्तबरदार ना होना पड़ता। उनका डील अपने रब से है, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा मैं अपना मुकदमा अपने अल्लाह की अदालत में छोड़ता हूँ, और अल्लाह की अदालत अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, और जब वो आवाज़ पे आती है, पकड़ पे आती है, तो आज अल्लाह उसको सुपुर्द कर रहा है। और दूसरी डील आपके साथ है, बिल्कुल नवाज शरीफ डील करेंगे आपके साथ, इस मुल्क के आवाम के साथ, आइन के साथ, मीडिया के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ। झंडे पे गरीब के मुंह से निवाला छीना जाता है, सड़कें बनना बंद हो जाती हैं, तामीरात रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, आटा, चीनी, तेल, घी, रोजगार, हर चीज महंगी, नायाब, बदमनी शुरू हो जाती है, पाकिस्तान हर तरफ से खतरे में घिर जाता है। ये तजुर्बे हो चुके, क्या हमारा हक नहीं कि हम और मुल्कों की तरह तरक्की करें? मुझे याद है मैं नौजवान था, मनमोहन सिंह साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ से कहा आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी कैसे है, हमारे पास रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन से भी कम रह गया है और आपके पास 20-22 बिलियन डॉलर है। जो फॉर्मूला उन्होंने बताया ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी के, आज हिंदुस्तान 600+ बिलियन डॉलर रिजर्व रखता है, और पाकिस्तान उस साजिश के नजर हो गया कि हम एक एक डॉलर के, आज एक एक बिलियन डॉलर के लिए हम मोहताजी हैं।